अगर आपने UPRVNL का एग्ज़ाम दिया था जो कि अभी 4-5 दिन पहले हुआ था, 5 अप्रैल 2021 को एग्ज़ाम हुआ था और ये ITI बेस का एग्ज़ाम था, जो बच्चे पहले फॉर्म भरे थे पिछले साल उनके एग्जामिनेशंस हुए थे, और अभी इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम नहीं हुआ है, फिटर ट्रेड और एक दो ट्रेड के एग्ज़ाम्स जो हैं हो गए हैं, तो उनका आंसर की जारी हो गया है। आप सभी को पता होगा कि हम अपनी वेबसाइट Global ITI पर क्या आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोर्सेज वगैरह का अलग अलग टैब हमने बनाया था, तो इसी में हमने आपको बताया था कि सरकारी नौकरी का भी एक ऑप्शन है। अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, रोल नंबर आपका जो ID है और पासवर्ड है उसके थ्रू। उसके लिए जो मैं प्रोसेस हमें डायरेक्ट आपको अपने वेबसाइट पर लिंक दे दिया हूँ, आपको ओपन करना है www.globalitii.org, ठीक है। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे वेबसाइट आपके सामने होगी और मैं लिंक भी दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का। यहाँ पर आपको क्लिक करना है सरकारी नौकरी के ऑप्शन पर। सरकारी नौकरी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट मिलेगी, सबसे ऊपर पोस्ट मिलेगा UPRVNL 2021 आंसर की डाउनलोड PDF। यहाँ पर आपको नीचे क्लिक करना है रीड मोर पर। रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा UPRVNL 2021 परीक्षा की आंसर शीट जारी कर दी गई है, यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्टली उस लिंक पर आपको ले जाएगा ये वेबसाइट, जहाँ पर आप अपना User ID और अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपना रिजल्ट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की डाउनलोड करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में एक जगह आपको ऑब्जेक्शन का भी मिलेगा कि कुछ क्वेश्चंस अगर गलत हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि आपने सही आंसर दिया था लेकिन फिर भी आंसर की में आपको गलत दिखता है ऐसा, तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं और इस चीज़ को आप भी 4 से 5 दिन के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद ही आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन बंद कर दिया जाएगा ऑब्जेक्शन का, ठीक है। तो आप सभी को शुभकामनाएं जिन लोगों ने ITI बेस पर परीक्षा दी थी, फिटर के और भी जो ट्रेड के बच्चे हैं जिनका एग्जाम हो गया था 5 अप्रैल को, उनको बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहा होगा इस न्यूज़ का। तो होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोग अपना आंसर की इस तरह से दिखाएगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक आंसर की डाउनलोड किया हुआ है, तो इस तरह से दिखाएगा कि आपका आंसर जैसे यहाँ पर आंसर 4 सही होना चाहिए था और आपने क्या आंसर दिया वो यहाँ पर दिखाएगा। जैसे जो कैंडिडेट है इन्होंने आंसर 4 दिया हुआ है और क्वेश्चन का राइट आंसर भी 4 है। इसी तरह से आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर अप्रॉक्स मतलब लग रहा है 150 थियोरी के क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन है जिसमें रीजनिंग और आपके हिंदी वगैरह होते हैं। तो ये टोटल इस तरह से PDF डाउनलोड हो जाएगा और इसे आप अच्छी तरह से अपना मैच करा सकते हैं और आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। हालांकि मेरे पास ये जो है PDF जिस कैंडिडेट का, उसने जो है 140 क्वेश्चन सही किया हुआ है, ठीक है, और इसमें से कुछ उसके क्वेश्चन गलत थे, तो माइनस होने के बाद 134 क्वेश्चन बच रहे हैं, मतलब 134 नंबर आ रहे हैं। अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो आपका कितना नंबर आया वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे आप सभी को एक दूसरे जो भी कैंडिडेट से वीडियो देखेंगे उनको अंदाज़ा एक लग पाएगा कि क्या स्कोर है और क्या मेरिट जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो और ऐसे भविष्य में आप ITI से जुड़ी वैकेंसीज या उनके अपडेट्स से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस पसंद है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम ऐसे इन चीज़ों को जारी रखेंगे। उसके अलावा और भी आपको Global ITI की वेबसाइट पर कंटेंट मिलेंगे, कोर्स वगैरह में PDF स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह भी मिलते हैं और ऑनलाइन टेस्ट का भी ऑप्शन है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।